हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगीता मिश्रा के ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इन चीज़ों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बनाने की आज मैं तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। गुजिया विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है। हमारे पूरे भारत में होली का सेलिब्रेशन का मुख्य जो मीठा होता है वो होती है गुजिया। तो दोस्तों, आज मैं मावा के गुजिया बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं रवा का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो मैदा लिया है। ये है 250 ग्राम मावा, जिसको मैंने घर पर तैयार किया है। आजकल बाज़ार में मिलावट वाले भी मावा आ रहे हैं, तो आप इसको मावा बोलिए या खोया बोलिए। तो इसको मैंने घर पर तैयार किया। आप बाज़ार से भी अच्छा देखकर खरीद सकते हैं। मैदे को गूंथने के लिए ये दूध का इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। और दूध का इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये मेरी गुजिया पूरे महीने तक ख़राब नहीं होगी। आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। ये है गुनगुना दूध। और ये मैंने घी को गर्म कर लिया है। आधा किलो मैदे में मैं लगभग 100 ग्राम के करीब घी का मोयन करूंगी। ये है मेरी इलायची। ये छोटी इलायची को मैं अभी छील के और इसको मिक्सर में पीस लूंगी। ये मैंने ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको ड्राई फ्रूट डालना हो वो आप डाल सकते हैं। और ये रही मेरी पीसी चीनी, इसको भी मैंने मिक्सर में पीस लिया है। ये आपका एक पाव खोया और ये मेरा लगभग 150 से 200 ग्राम जो मेवा है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक कटोरी लगभग 250 ग्राम के करीब पीस के चीनी लिया है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको मार्केट में शुगर फ्री चीनी भी मिल जाएगी पिसी हुई, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं नॉर्मल चीनी की जगह। और ये रही मेरी गुजिया मशीन। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ अपनी स्पेशल बिना सूजी वाली और पूरे महीने टिकने वाली स्पेशल गुजिया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं बाउल में आटा नहीं गूंथ पाती हूँ, तो मैंने परात का इस्तेमाल किया है। आप भी जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप आटा गूंथ सकती हैं। बीच में मैंने ऐसे थोड़ा सा होल किया और फिर उसके बाद मैंने ये गुनगुनी जो मैंने घी रखा था उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और इसको मैं अब बहुत अच्छे से लगाऊंगी। आपका मोयन अच्छे से लगा है, इसके लिए आप चेक करने के लिए ये देखिए, इसको मैं ऐसे करके बनाऊंगी तो ये बिल्कुल ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब मोयन आपका बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं इसमें गुनगुना दूध जो मैंने रख रखा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके और आटे को गूँथूँगी ताकि मेरा आटा बहुत अच्छे से गुज जाए। और इसको पूड़ी से हल्का सा सख्त सानना है। फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये आटा लग गया, ये पूड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है बस। अब मैं इसको ढक करके रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ, जब तक मैं भुनूंगी मावा। ये सब मावा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और मैं इसको धीमे आंच पे भुनूंगी। भुनने से फ्रेंड्स ये थोड़ा इसका जो मेवे का अपना स्वाद है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको हल्का सा भून लीजिए। इसमें मैं रवा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसमें अपने इच्छा अनुसार आप जो भी मेवा डालना चाहिए वो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसी कटोरे में
अपना मिश्रण तैयार करूंगी भरने वाला। तो इसमें मैंने ये चीनी डाल दिया है और इसमें मैंने छोटी इलायची भी पीस ली थी उसको भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने ये भुना हुआ मावा ऐड करना है। इसमें मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, बिल्कुल एक आधा चम्मच भी नहीं, सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये वैसे ही बाद में तला जाएगा, उसी में जो ऑयल चला जाए, और मोयन में भी ऑयल लगा है उसमें भी घी का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं इसको ऐसे ही हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें मावा भी मिला दिया है और अभी ये बहुत गर्म है, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फिर मिक्स करूंगी, तब मैं इसको भरूंगी। अब मैं जा रही हूँ, ये मेरा आटा अब रेस्ट होके तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसकी लोइयाँ बना के और छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के मैं आपको एक भर के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं, ऐसे आप भी गोलियाँ बना लीजिए। और एक मैं इसको बेल के रखी हूँ, अब मैं इसको भर के दिखाऊंगी। ये मैंने दूध का इस्तेमाल किया है पानी की जगह, जब गुजिया भरी जाएगी तो जो साइड में लगाते हैं पानी उसकी जगह मैं दूध का इस्तेमाल करूंगी। और दोस्तों दूध का इस्तेमाल करने से सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि मेरे इन सभी चीज़ों में कहीं पर भी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये पूरे महीने तक ख़राब नहीं होंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने एक ये तैयार किया है पूड़ी सा बना के, अब मैं आपको भर के दिखाती हूँ कि कैसे भरा जाता है। ये गुजिया मशीन है, इस पर मैंने इसको ऐसे सेट करके रख दिया और अब मैं ये दूध से इसका किनारा ताकि ये चिपक जाए। अच्छे से लगा लीजिए और अब इसमें ये गुजिया मेरी बनके तैयार हो गई, ऐसी मैं सारी गुजिया बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे इसको बेल के पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं, अभी मैंने 10-15 बेली हैं और अब मैं पहले इसको भरूंगी और फिर उसके बाद 10-15 तल लूँगी, फिर उसके बाद फिर बेलूंगी, फिर भरूंगी। और भरना तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए मेरी एक भरी हुई गुजिया, अभी एक और भरा जाता है हाथ से, तो उसको मैं भी बताऊंगी। जिनके घर में गुजिया मशीन नहीं है और कोई लाने वाला नहीं है समय पे और उनको गुजिया बनानी है तो वो हाथ से भी गुजिया बना सकती हैं, बहुत बढ़िया गुजिया बनती है बिना मशीन के। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दे रही हूँ कि ये गुजिया की मशीन अलग अलग प्रकार की अलग अलग डिज़ाइन की मार्केट में बहुत सारी आ रही है, अपने मन चाहा डिज़ाइन का गुजिया बनाइए। फ्रेंड्स देखिए इतनी गुजिया मैंने भर ली है, अब मैं इसको पहले तल लूँगी फिर नेक्स्ट गुजिया बनाऊँगी ताकि मेरी गुजिया सूखे भी ना। और अब मैं हाथ से आपको गुजिया बनाना सिखाती हूँ, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप ऐसी छोटी सी लोई बेल लीजिए पूड़ी के जैसे और फिर इसके बाद आप इसमें जो है आप फिलिंग भरिए। देखिए मैंने इसे फिलिंग भरी और फिर मैं इसको ऐसे करके तहा लूँगी और ये देखिए ऐसे मोड़ लिया मैंने और फिर यहाँ से मैं गढ़ना शुरू करूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने डिज़ाइन दे दिया है, बाज़ार में कभी कभी आप इस तरह की भी गुजिया देखते होंगे ऐसी गुजिया। ये देखिए ये गुजिया हाथ से बनी है और बिना मशीन के, तो आप ऐसी भी गुजिया बना सकते हैं। इसको अपने रिफाइंड को पहले मैंने खूब गर्म किया,
फिर उसके बाद रिफाइंड को हल्का सा ठंडा किया, फिर जब टेम्परेचर सही आ गया तो मैंने इसमें गुजिया डाल दी। और अब ये मेरी गुजिया जो है वो धीमे आंच पे पक रही है। अब ये धीमे धीमे आंच पे पकेगी ताकि खूब कुरकुरी हो जाए। फ्रेंड्स देखिए मेरी गुजिया इतनी मैंने बना भी ली, ये बन के भी तैयार हो गए और अभी मैं और भर रही हूँ और बना रही हूँ। तो टाइम लगता है ज़रूर मगर आराम से बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए मेरी गुजिया ये देखिए इतनी बन के तैयार भी हो गई। अभी मैंने इतनी भर के भी रख दी है और अभी मैं और बनाए जा रही हूँ। आराम से बन जाती है, बिल्कुल पेशेंस रखिए। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है क्योंकि बहुत साल बाद आज एक ऐसा ये साल पड़ा है जिसमें मैं अपने माँ के बिना गुजिया बना रही हूँ। आई मिस यू मम्मी। माँ आज मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। फ्रेंड्स फाइनली मेरी गुजिया तैयार हो गई और अब ये खाने के लिए रेडी है। आइए मेरे साथ गुजिया खाइए और होली मनाइए। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामना। खूब खूब होली आप लोग का शुभ और मंगलमय जाए। हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी गुजिया कैसी लगी। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।